इसलिए तुम्हें इकट्ठा किया है। ये नाचने गाने के चक्कर में मत पड़ो, अभी समझो। अब हम सोच रहे हैं कि कम से कम जो आदिवासी भाई सब जो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, ये लोग सारे हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उस संबंध में थोड़ा सा हमारे जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसको समझाएं थोड़ा सा। और जो भी पढ़े लिखे लोग बच्चे हमारे जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो कम से कम हमारा संविधान है उसको हमारे बैग में रखें और उसको पढ़ें। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या राइट्स, इसके बारे में हमें बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो भी एक संविधान के एक आर्टिकल है उसके तहत मैं खड़ा हूँ, और जो आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं वो भी एक संविधान का आर्टिकल है, वो बाबा साहब ने उस संविधान में लिखा है और वो अधिकार दिया है। अभी एक छोटा सा गांव तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक राजस्थान में मानगढ़ गांव में जब संविधान की रूपरेखा तो ठीक है, लेकिन संविधान बना ही नहीं था, और वहां पर एक धर्म जागरण के लिए इकट्ठा हुए थे हमारे जैसे आदिवासी और कुछ हमारे एक बिरसा मुंडा, हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, उसका एक शब्द था दिग्गू, और वो दिग्गू उनको मालूम पड़ा कि भाई धर्म जागरण के लिए हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, और वो लोग इकट्ठा हो गया, वहां पर कम से कम 1,00,000 से ऊपर लोग थे और गोलियां मार दी और सबको इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे और ऐसा कोई भी संविधान नहीं था। आज हमारे पास संविधान है तो हम उस संविधान का अनुसरण करेंगे, और हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग ये सोच में कुछ कहने के लिए ऐसा कुछ लिए आया था कि हम लोग बहुत ही मतलब अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई बीजेपी आदिवासी है, कोई कांग्रेस आदिवासी है, कोई बीटीपी आदिवासी है, कोई आप आदिवासी है, कोई क्रिश्चियन आदिवासी है, तो कोई हिंदू आदिवासी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो अच्छी तरह से, क्योंकि हम अलग थलग पड़ गए। हम इस हथेली की तरह है, हम इस हथेली की तरह है, हमें इसलिए कुछ नहीं दिया जाता है, एक बड़े गहरे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, हम इस हथेली की तरह है, इसलिए हमें एक गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटा जाता है। हम इस हथेली की तरह है, खुले में हमारे ऊपर मुता जाता है, हम इस हथेली की तरह है, हम इस हथेले की तरह है, महिलाओं हमारी आदिवासी बहनों को खुला नंगा करके एक गांव में प्रकट किया जाती है, उसके बलात्कार किया जाता है उसके ऊपर, लेकिन सब बोल है वो एक हमारे समाज हमारे एक दिग्गुओं का एक जो कहना चाहता हूँ लेकिन सब समझदार है, वो हमारे एक दिग्गू है, दिग्गू बाहरी लोग है जो हमको परेशान करना चाहते हैं, इसे थोड़ा सा समझ करेंगे। ये समय थोड़ा सा अब बहुत जो चल रहा हो तो दिख रहा है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा उसे समझने की जरूरत है, हमें इकट्ठा होने की जरूरत है, हमारे संविधान हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, हमें कोई संपत्ति की जरूरत नहीं है, हमें किसी सत्ता की जरूरत नहीं है, हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, उसे कायम रखेंगे हम लोग। ऐसे ही इकट्ठे होकर हर कोई चीज कुछ होती है, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही इकट्ठे हो यहाँ पर।